बहेला ग्राम में अवैध रूप से शराब बेचने को लेकर कलेक्टर एवं एसपी को किया शिकायत, जनसुनवाई भी बना एक दिखावा, नहीं हुई आज तक कोई कार्रवाई। लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार की शासकीय भूमि पर नदी किनारे रामभाव तथा भीमराव के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से शराब का अवैध व्यापार किया जा रहा है, जहां पर देर रात तक शराबियों का मेला लगा रहता है, जिसमें ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसकी शिकायतकर्ता सैयद रहीम के द्वारा 17 मई को कलेक्टर जनसुनवाई में भी की गई थी तथा बालाघाट एसपी कार्यालय साथ ही बहेला थाना में भी आवेदन किए देकर इसकी शिकायत की गई थी। और शिकायतकर्ता सैयद रहीम के द्वारा बताया गया कि रामभाव और भीमराव के द्वारा विगत कई वर्षों से बाजार की शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से शराब का व्यापार किया जा रहा है तथा उसके दुकान के बाजू से नदी लगी हुई है और शराब अवैध रूप से बेच रहे रामभाव और भीमराव के द्वारा देर रात तक दुकान चालू रखकर शराब बेची जाती है। शराब के लिए बारिश का समय होने पर के चलते शराबी नशे की हालत में रहते हैं, जिससे कि पैर स्लिप होने से सीधा नदी में जाकर गिर सकते हैं। इसके पूर्व भी एक दो घटना हो चुकी है, जिसमें ग्राम के ही 2 से 3 लोगों की मृत्यु नशे की हालत में नदी के किनारे बने शराब दुकान से पैर स्लिप होने पर नदी में गिरने से हो चुकी है। इसके पूर्व भी सैयद रहीम और ग्रामीणों के द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे इस शराब दुकान को हटाने के लिए शिकायत की गई थी, परंतु आज दिनांक तक वह दुकान नहीं हटी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना की राह देख रहा है, जबकि उस जगह से पुलिस थाना करीब ही है और थाने से पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद भी पुलिस चल रहे अवैध शराब के कारोबार को देखकर अनदेखा कर रहे हैं तथा शिकायतकर्ता सैयद रहीम ने शासन से यह मांग की है कि इस अवैध शराब की दुकान को वहां से हटाया जाए और शासकीय भूमि को इसके कब्जे से मुक्त किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। MPCD 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं बहेला से रहीम हूँ, सैयद रहीम। अच्छा, कहाँ से? बहेला, लांजी से। जो आपने शिकायत की माननीय कलेक्टर महोदय जी को, किस संबंध में शिकायत की? हमारे गाँव में एक दारू की दुकान है जो खुलेआम बेचता है, वो टपरी लगा के रामबाव माहौले करके। कहाँ का निवासी है? बहेला का, लांजी, लांजी बहेला का। वो उसके नदी के किनारे इसकी दुकान है। काई की दुकान? वो ऐसी चकना बेचता है, लेकिन साथ में दारू भी बेचता है वो। अच्छा। और कई बार इसकी कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन कभी बंद कर देता है फिर चालू कर देता है। और वो इतनी खतरनाक जगह है कि कई लोगों के ऊपर मौत हो चुकी है। अभी 4 महीने पहले मेरे बड़े भाई की मौत वहीं पर हुई है। किस कारण से? वहाँ दारू पी रहा था, पीछे दारू मुतने गया और नदी में एकदम पैर स्लिप होकर गिर गया वो। अच्छा। और ये भग जाता है अपनी दुकानदारी छोड़ के, किसी को बताता नहीं, ऐसा हादसा हो गया करके बोलता है मैंने सबका ठिकाने ले लिया। अच्छा। और तो जिसको जो करना है करो बोलता है। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ पर की? मैंने SP साहब को दिया हूँ बालाघाट में, कलेक्टर साहब को दिया हूँ, बहेला के थाने में जाके जमा किया हूँ मैंने। अच्छा। जनसुनवाई में मेरी वो हुई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यानी अभी भी बेच रहा है? अभी भी बेच रहा है। मैंने इसको पूरा कल वीडियो बना के आपको दिया उसका मैंने। अच्छा। तो ये गांव के लोग उससे परेशान हैं? बहुत परेशान है। वहाँ पर स्कूल के लड़के आने जाना करती है। अच्छा। लोग वहाँ पर दारू पी रहे, लड़के आने जाना कर रही, सब ये हो रहा है, गंदा माहौल हो रहा है वहाँ से। अच्छा। और वो कुछ दिन बंद करता है फिर चालू कर देता है। वो अतिक्रमण में है जगह, वो सबसे मेन चीज़ तो ये कि जगह वो अतिक्रमण में। काई की जगह है वो? बाजारों की जगह है वो। बाजार की जगह? बाजार की जगह है वो। क्या वहाँ बाजार भी भरता है? बाजार भरता है पूरा, उसी जगह बाजार भरता है वो। और बाजार के दिन तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा है उसी दुकान में। अच्छा। और लोग दारू ला के भयंकर वहीं बेचता है, खुद ही बेच के करवाता है वो। तो आपने जो शिकायत की उस पर अभी तक के कोई निराकरण? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई 4 महीना हो गया है, हमारे जवान भाई की मौत उसी जगह पर हुई है और उसी दारू कारण हुई है। तो आपने शिकायत कब की है? मैंने बस 15 दिन के बाद मैं शिकायत कर चुका था, 1 महीने के बाद। अच्छा। मेरे भाई की मौत के बाद 5 महीने में? हाँ, 5 महीने। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो दुकान को जो है वहाँ पर लाइन से भी दुकान है 2-3 दिन, उसको लाइन से पूरी यहाँ से हटाई दूंगे तो वो दोबारा कोई अनहोनी होने, कोई हादसा होने का डर नहीं रहेगा। तो पूरी दुकान में दारू बिकती है क्या? वो दोनों दुकान में लाइन से दारू बिकती है, दोनों दुकान में। चलो ठीक। और वो दुकान हटाना इसलिए जरूरी नहीं, तो फिर वो दारू को बंद करेंगे, फिर 2 दिन के बाद दारू चालू कर देगा वो, फिर हादसा भी नदी भर रही है, बरसात का समय, लोग पैर स्लिप होके गिर जा रहे, ये हो रहे, और लोगों के लड़के आने जाना करती है वहाँ से स्कूलों की। अच्छा। कई किस्म के लोग रहते हैं जो लड़के गंदे कमेंट करते हैं वहाँ पर। अच्छा।
शराबी लोग। शराबी लोग ठीक। बढ़िया काका बढ़िया। सर मेरी फोटो मत निकालो। हाँ खींच खींच फोटो खींच। हाँ इनकी भी खींच। हाँ सर ये जंपिंग और जाना डांसिंग भी है। जब तेरी फोटो आ जाएगी निकाल वो बैठना यहाँ निकालना। नहीं हो गया।